फर्स्ट जॉब किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। वो जो टाइम पीरियड होता है आपका कॉलेज खत्म होने के बाद और जॉब स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ मिक्स इमोशंस। आप नर्वस भी होते हो और एट द सेम टाइम आप एक्साइटेड भी होते हो, क्योंकि आपका ट्रांजिशन हो रहा होता है एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से एक ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय में। और उस टाइम आपके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि आपको अपना पैशन फॉलो करने चाहिए, जहाँ आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, या कोई इंटरव्यू क्रैक कर लें और जॉब करना स्टार्ट कर लें। सो हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने लास्ट 3 ईयर्स की SCL की जर्नी के बारे में, और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मैंने अपनी जर्नी के हर फेज़ में क्या कुछ सीखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अपनी जॉब से खुश हूँ या नहीं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ट्रेनिंग पीरियड से स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेनिंग पीरियड एक ऐसा फाउंडेशन पीरियड होता है जिसमें अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है अच्छे करियर के लिए। और मैं अपने आप को लकी कंसिडर करता हूँ कि मुझे एक अच्छे ट्रेनर के थ्रू ट्रेनिंग मिली। वो ट्रेनर सबके डाउट्स बहुत अच्छे से एड्रेस करते थे और गाइड भी करते थे कि आगे करियर में क्या करना चाहिए। मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। मतलब आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। आप बस टेक्निकली ही ग्रो नहीं करोगे, आप एज अ पर्सन भी ग्रो करते हो। एक नर्वसनेस होती है कि असेसमेंट्स क्लियर होंगे या नहीं, कैसा प्रोजेक्ट मिलेगा, क्या आप कुछ लाइफ में अचीव कर भी पाओगे या नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती थी दिमाग में। आप काफ़ी लोगों से भी मिलते हो ट्रेनिंग पीरियड में, और उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखते भी हो। कुछ लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लाइफ लॉन्ग रहते भी आपके लिए हमेशा। काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनती है ट्रेनिंग पीरियड में। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लास्ट 3 ईयर्स में जॉब में आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, तो मेरा आंसर यही होगा कि जो टाइम मैंने अपने ट्रेनिंग में स्पेंड किया वो। ट्रेनिंग के बाद हम डिप्लॉय होते हैं प्रोजेक्ट में, तो इसमें भी मैं अपने आप को काफ़ी लकी कंसिडर करूँगा कि मैं SCL के इनहाउस डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हुआ। यहाँ हमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है, और ये टेक्नोलॉजीज हम कम ड्यूरेशन वाले प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में मैं 4 to 5 क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ, और इस वजह से मेरे स्किल्स काफ़ी ग्रो हुए हैं लास्ट 3 ईयर्स में ही। जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल 3 साल तक एक ही प्रोजेक्ट में मोनोटोनस काम करते हैं, वहाँ मुझे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला करियर के स्टार्टिंग में ही। जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं जॉब के, वो काफ़ी अच्छे से निकलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता और स्टार्टिंग में आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं डालता। फिर धीरे धीरे आपको ओन अप करनी पड़ती है चीज़ें, और जितना आप इंडिविजुअली चीज़ें करते हो बिना किसी सपोर्ट के, उतना ही आप ज़्यादा सीखते हो। मैंने इतने सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया है हु रियली मोटिवेटेड मी टू कम आउट ऑफ माई शेल एंड ओवरकम माई नर्वसनेस। उन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ मैं। मेरे सेकंड प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट लीडर थे वो बहुत ही अच्छे थे, और वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते थे सीखने को। तो उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि क्लाइंट के लिए मुझे क्लाउड पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है थ्रू ऑटोमेशन एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स दैट द क्लाइंट विल गिव मी, और एक मीटिंग इन्वाइट सेंड कर दी। और जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि विकास विल लीड दिस कॉल। और फिर उस टाइम मैं कुछ सेकंड्स तक तो ब्लैंक ही हो गया, क्योंकि मुझे लगा था कि बस कॉल अटेंड करनी है और सर वहाँ समझा देंगे क्लाइंट को और मैं बस काम कर लूँगा उसके बाद। पर जब मुझे लीड करनी पड़ी कॉल और क्लाइंट को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी और उनके रैंडम क्वेश्चंस के आंसर देने पड़े, तब एक्चुअली में मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ, और मुझे पता चला कि कैसे मुझे इफेक्टिवली क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है और उन्हें अपनी चीज़ें समझानी है। उस मीटिंग के बाद मेरे प्रोजेक्ट लीड का कॉल भी आया मुझे, और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि आपके टेक्निकल स्किल्स सिर्फ 30% मैटर करते हैं, 70% मैटर करता है कि आप कैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। उन्हें सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, और आप उन्हें कैसे सॉल्यूशन समझा पा रहे हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्हें आपके टेक्निकल नॉलेज पर इंटरेस्ट नहीं है। और कॉल खत्म होते होते उन्होंने लास्ट लाइन ये कही कि आई एम वेरी हैप्पी डैट यू हैंडल्ड इट रियली वेल। और ये लाइन उनके थ्रू आना, मतलब एक ऐसा इंसान जो इतनी हाई पोस्ट पर है वो आपको पर्सनली कॉल करके अप्रिशिएट कर रहा है, इससे आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और मेरा भी उस टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अब बात करते हैं वर्क स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस जो है वो कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो लेना चाहते हैं या नहीं। कभी कभी हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क असाइन हो जाता है, और कभी कभी हमारा बहुत सारा काम पाइल्ड अप हो जाता है। फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कामली टास्क कंप्लीट कर ले अपने, या तो स्ट्रेस लेते रहे कि कैसे होगा ये सब, कैसे करूँगा मैं इतना सब कुछ। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत स्ट्रेस लेता था जब भी मुझे कोई टास्क असाइन होता था, और ज़्यादा सोचने की वजह से मैं कभी कभी ईजी चीज़ों में भी फंस जाता था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। पर धीरे धीरे समझ आ गया कि
अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तब भी वही होगा जो होना है, और अगर कामली चीज़ें इंप्लीमेंट करूंगा तब भी वही होगा जो होना है। तो अब मैं सच बताऊं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होता मुझे, अब मैं खुद ही नहीं लेता स्ट्रेस। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आता है कि कर दो इंप्लीमेंट, जो होगा देखा जाएगा। तो अब बात करते हैं सैलरी की। मेरी वीडियो में मोस्टली लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि उनकी एससीएल में सैलरी हाइक नहीं हुई। अब आप लोग खुद बताओ कि एससीएल में मोर देन 1,87,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और सबकी सैलरी डबल तो हो नहीं सकती। अगर आप फ्रेशर होते हो तो आपकी हाइक परसेंटेज ज़्यादा जा सकती है, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और सैलरी बढ़ती है वैसे ही आपकी हाइक परसेंटेज कम हो जाती है। और एससीएल में नहीं, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज में सेम ही होगा। अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी सैलरी से, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी सैलरी अपनी फ्रेंड्स की सैलरी से जो बाकी सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, तो उन लोगों से ज़्यादा ही है मेरी सैलरी, जबकि मैंने उनसे कम पैकेज में स्टार्ट किया था और सेम एक्सपीरियंस के साथ अभी मेरी सैलरी उनसे ज़्यादा है। पर मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं अपनी जॉब में, जो कि मेरे मैनेजर ने नोटिस भी किए हैं। अब बात करते हैं कि मैं अपनी जॉब से खुश हूँ या नहीं। देखो, मेरे मैनेजर ने मेरे पे कभी भी वर्क प्रेशर नहीं डाला, बल्कि मुझे हमेशा अच्छे से चीज़ें समझाई है और गाइड किया है। लास्ट 3 ईयर्स में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सीखने के लिए काफ़ी लोग काफ़ी साल लगा देते हैं, पर मुझे अपनी जॉब से कोई इशू नहीं है। मुझे इशू है अपने डिसीजन से कि मैंने अपना पैशन क्यों नहीं फॉलो किया या क्यों नहीं फॉलो कर रहा। पर अभी भी काफ़ी टाइम है और मैं अपना पैशन ज़रूर फॉलो करूँगा, क्योंकि इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप लोगों का अब तक का एक्सपीरियंस आपकी जॉब में कैसा रहा ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।